जन सरोकार मंच की लाइव श्रृंखला में आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रामावतार चावला सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन द्वारा जागरूक हाथ केंद्र रोडवेज बस स्टैंड टोंक मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, इस वक्त मौजूद हूँ। मैं एक शिक्षक भी हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने जागरूक हाथ केंद्र चलाया है, जागरूक हाथ अभियान चलाया है। इस अभियान के लिए मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक मौका दिया और COVID-19 बीमारी के इस वक्त जो काफ़ी चारों ओर इस बीमारी का प्रचलन है, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रकोप है, इस वक्त हैंड वॉश कितना ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना ये एक कार्य के रूप में मुझे सौंपा। ये मैं वर्तमान में आप जानते हैं कोरोना महामारी COVID-19 पूरे विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैल चुकी है और इस वक्त के दौरान हमें किस तरह से लोगों की सुरक्षा, लोगों के लिए किस प्रकार से सहयोग की भावना एक दूसरे के प्रति अपनाकर इस बीमारी से निपटने के किस प्रकार से जो तरीके अपनाएं हम, वो हमें आजकल देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के जो उपाय अपनाना चाहिए, जगह जगह लोगों को समझाया जाता है, लोगों को बताया जा रहा है, सरकार के द्वारा जन जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ न कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जो लोग जागरूक होने में रुचि नहीं लग रहे हैं। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने जागरूक हाथ केंद्र लगाकर ये साबित करने का प्रयास किया कि हम शिक्षा एजुकेशन के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी हम आगे बढ़ तत्पर रहते हैं और इसके लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कोरोना महामारी के इस दौर में किस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। कुछ लोगों में इसके प्रति गलत अफवाहें भी फैली हुई है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने यहाँ पे अपने टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर मुख्य चौराहों पर, शहर के मुख्य चौराहों पर, हॉस्पिटल के केंद्र पर और तहसीलों के स्तर पर, गांव के स्तर पर भी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने ये व्यवस्था की है हैंड वॉश केंद्र लगाने की। हैंड वॉश केंद्र लगाकर लोगों को हाथ धोने की सही आदतों का विकास करने की का ये अभियान बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अच्छा रूप लेता जा रहा है। लोग इस फाउंडेशन के द्वारा किए गए कार्य को बहुत ही सकारात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं और काफ़ी लोग इसके अंदर हिस्सा लेकर जन जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जन जागरूकता को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हैंड वॉश केंद्र बस स्टैंड में मैं आपको लाइव दिखा सकता हूं, यहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, काफ़ी लोग कोरोना वायरस के प्रति जागरूक हैं। लोगों को जागरूक करने से पहले खुद को भी मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा दूसरों लोग नहीं मान सकते इस बात को। हाथ धोने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से बेहद साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस की परत जो उसके चारों ओर जो परत होती है वो एक लिपिड की बनी होती है जो चारों तरफ पाई जाती है, उसके स्पाइक पाए जाते हैं कोरोना वायरस की संरचना में। ये स्पाइक तभी टूट सकते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ये वसा के लिपिड से बने होते हैं, ये तभी टूटते हैं साबुन के इस्तेमाल से। साबुन इस वक्त हमारा एक बहुत अच्छा मित्र साबित हो रहा है कोरोना महामारी के इस दौर में, कि लोगों को समझाना है हमें, लोगों को इस हैंड वॉश केंद्र के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, यहाँ के गीतों के माध्यम से कुछ अलग अलग प्रोग्राम करके, स्पेशल प्रोग्राम करके, यहाँ पे पोस्टर लगाकर लोगों को बताकर ये बात समझाने की कोशिश की जाती है कि हैंड वॉश करना कितना ज़रूरी है। आपको मैं यहाँ पे लाइव श्रृंखला के रूप में बता रहा हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी अपने हाथों को धोकर
कोरोना वायरस से बच सकते हैं। यदि कोरोना वायरस से बचना है तो हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। आइए अपने हाथों को धोइए और कोरोना वायरस से बचिए। कोरोना वायरस ही नहीं, अनेक प्रकार की बीमारियों के होने वाले संक्रमण से हम हाथ धोने की आदत का विकास करके, सही हाथ धोने की आदत का विकास करके हम बच सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें आप। मास्क नहीं तो, यदि मास्क नहीं है तो हम कोरोना वायरस से नहीं बच सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन जो साबित हो रहा है वो है मास्क। अपने मुंह पर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगा कर ही जाएं और अपने हाथों को समय समय पर बार बार साबुन और पानी से धोते रहें आप। यही हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। साथ ही अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कीजिए। हैंड वॉश करने की, हेल्दी हैंड वॉश करने की एक आदत को बनाइए। ये मंच आपके लिए केवल हाथ धोने की आदत का आदत के लिए बनाने के लिए है। आपके हाथ धुलना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि हाथों को धोना साबुन और पानी से कितना बेहद जरूरी है। कृपया समझने का प्रयास कीजिए। यात्रीगण, अपने मुंह पर मास्क लगाइए, अपने हाथों को इस हैंड वॉश केंद्र पर धोकर जाइए। पानी पीने से पहले अपने हाथों को यहाँ हैंड वॉश केंद्र पर धोइए। यहाँ पांव से पेडल को दबाइए। नहीं, मास्क तो आपको लगाना है। सामने यहाँ पे काफी भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अनेक लोग आते हैं यहाँ पे, विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार के लोग मौजूद रहते हैं यहाँ पे, तो हर प्रकार से हर वक्त यहाँ पे लोगों को समझाना पड़ता है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो है, इस दौर में हमें हैंड वॉश करने के साथ ही हमें इस आदत को अपनाना भी होगा। लोग अपना रहे हैं इस आदत को। मेरा अनुभव यह है कि लोग 75% से ऊपर, 80% से ऊपर लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि हाथ धोना बेहद ज़रूरी है। साबुन और पानी से ही अपने हाथों को धोना चाहिए। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने टोंक जिले के विभिन्न स्थानों पर जो हैंड वॉश केंद्र लगाए हैं, ये हैंड वॉश केंद्र पर वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं। ये वॉलेंटियर्स लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हाथों को हैंड वॉश करने के लिए प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं, COVID-19 से सुरक्षित रहने के उपाय बताते हैं, उन लोगों को ये समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में ये आदत को बनाना ही होगा। साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें उपाय अपनाना है, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि COVID-19 महामारी जो कि टोंक में लगातार आजकल भी केस बढ़ते जा रहे हैं, लोग इसके प्रति अवेयर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। लोगों को यदि हम इसी प्रकार से जागरूक करने की कोशिश करेंगे तो लोग अवश्य जागरूक होंगे, ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव है। मैं यहाँ पे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में काफ़ी दिनों से यहाँ पे लगा हुआ हूँ, जागरूक करने का प्रयास किया है मैंने। और साथ ही मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस जन सरोकार मंच के माध्यम से मैं भी आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने एक बार अपने मोहल्ले में, एक बार क्या, कुछ ही दिनों के पहले की बात है, कुछ लोग ऐसे थे, असामाजिक तत्व जिन्हें कहेंगे, अब उनके बारे में पता नहीं है कि हमारे मोहल्ले में गाड़ियाँ चोरी होने लग गई थी, कुछ अपराध भी शुरू होने लगे थे, चोरी वगैरह। तो हमारे आसपास के कुछ लोगों ने मिलकर, हमने मिलकर वार्ड पार्षद से मिलकर, हमने पुलिस व्यवस्था के साथ ये मोहल्ले में जागरूक करने का प्रयास किया कि यदि हम सभी मिलकर आपस में सहयोग करके, एक दूसरे का सहयोग करके हम सभी, तो हम समाज को जागरूक करके हम चोरी को रोक सकते हैं, हम मोहल्ले के अंदर जागरूकता बढ़ाकर, हम लोगों को समझाकर
कोविड 19 के बारे में भी समझा कर, लोगों को मास्क लगाने की आदत के बारे में समझा कर, बाहर जाने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले अपने मुंह पर मास्क लगाएं और अपने हाथों को समय समय पर बार बार धोएं, ऐसी आदतों को समझा कर हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा, मुझे वहाँ पर काफ़ी सकारात्मक सहयोग मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे भी। साथ ही पुलिस का भी वहाँ पर बहुत सकारात्मक सहयोग रहा, मोहल्लेवासियों ने अपना अपना इस कदम को सही अच्छा बताया, सराहनीय कदम बताया है। साथ ही में यहाँ पर लोगों के द्वारा जो बातचीत होती है मेरी, वो ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि लोग हैंड वॉश केंद्र पर ये कहते हैं कि ये वाकई में बहुत ही अच्छा काम है, इतना अच्छा काम करके दिखाया है फाउंडेशन ने जो शायद किसी ने आज तक नहीं किया है, सरकार ने भी ऐसा काम नहीं किया है, लोग कहते हैं ऐसा। वो कहते हैं कि ये वाकई में हैंड वॉश पॉइंट जो लगे हुए हैं, इनके माध्यम से लोगों को बाहर हाथ धोने की जो आदत है, बाहर हाथ नहीं धोते हैं लोग अधिकतर, यहाँ पर धोकर अपने आप को बहुत स्वच्छ महसूस करते हैं, लोग इस आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही मैं आप लोगों से ये भी बात करूँगा कि हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाने के साथ साथ लोगों को जागरूक बनाना भी होगा। आप भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाएं, लोगों को कहें कि हमें इस आदत को अपनानी है हैंड वॉश करने की, हेल्दी हैंड वॉश करने की। हम यहाँ पे लोगों को हेल्दी हैंड वॉश करने की आदत बताते हैं, समझाते हैं। हेल्दी हैंड वॉश करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिस्टम दिया बनाया गया है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हैंड वॉश केंद्र है, इस हैंड वॉश केंद्र पर पानी की टंकी लगी हुई है। इस पानी की टंकी को हम यहाँ पास में स्थित नल का है सिस्टम, उससे भर लेते हैं पाइप लगाकर। और इस हैंड वॉश केंद्र पर बिना हाथ लगाए टोंटी के पेडल को दबाकर, पाँव से पेडल को दबाया जाता है। इस पाँव को पेडल को दबाने से पानी से सबसे पहले अपने हाथों को गीला करने के लिए लोगों को बोलते हैं इस तरह से। पानी से हाथों को गीला करने के बाद में पास में बॉटल है, इसमें लिक्विड है, इस लिक्विड को लेने के लिए हाथ से हम लोगों को समझाते हैं। एक हाथ से दबाते हैं, ऊपर से लोगों को कहते हैं कि एक हाथ से बोतल को ऊपर से दबाइए और दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ के अंदर लिक्विड लेकर अपने हाथों को अच्छी तरह से रगड़ के धोएं। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने ये बिल्कुल निशुल्क किया है लोगों के लिए। अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है इतनी, इसलिए नहीं तो अन्यथा यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ होती है कि लोग जगह नहीं मिलती, यहाँ पर लोगों को काफ़ी भीड़ हो जाती है। ये देख सकते हैं आप लोगों के द्वारा, कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं लेकिन हम मास्क लगाने के लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन इन सभी का काफ़ी सहयोग रहता है। हम इस सिस्टम के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, फाउंडेशन ने हमारे लिए ये सुविधा की है। आपको मैं दिखाता हूँ हैंड वॉश केंद्र से हम किस तरह से लोगों को जागरूक करने के प्रयास करते हैं। हमने लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले आप बस स्टैंड के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को आपको धोना है क्योंकि यात्रा करते समय काफ़ी भीड़ होती है और विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा बसों के अंदर हैंडल को हाथों से छुआ जाता है, वस्तुओं को छुआ जाता है जो कि बहुत ही कोरोना वायरस को फैलने के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीका होता है। इसलिए इसको हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप वस्तुओं को कम से कम छुएं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम वस्तुओं को छुएं और सार्वजनिक स्थान की वस्तुओं को तो बिल्कुल न के बराबर छुएं। यदि छू लेते हैं तो बार बार वस्तुओं को छूने वाले स्थानों को छूने के बाद अपने हाथों को हैंड सैनिटाइजर से, यदि आपके पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा ना हो तो वहाँ पर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं आप। साथ ही
शहर के मुख्य चौराहों पर लगे हैंड वॉश केंद्र आपके सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। यहाँ अपने हाथों को धोइए आप और कोरोना जैसी महामारी से बचिए। साथ ही इस आदत को अपनाने के लिए लोग दूसरे लोगों को भी बताइए, समझाइए और मास्क लगाकर इस जन जागरूकता को फैलाइए। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, साबुन और पानी से ही अपने हाथों को धोएं, क्योंकि कीटाणु जो होते हैं वो खुले आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। यदि हमें इस आदत को अपना ले, हम इस आदत को अपना ले, लोगों को समझाएं, लोगों को यदि लोगों ने अपना लिया इस आदत को, तो वायरस बैक्टीरिया जितने भी जो होते हैं, क्योंकि लोगों का लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि अशिक्षित अधिकतर लोग हैं, वो नहीं समझते इस बात को कि कीटाणु कैसे किस तरह से फैलते हैं। कीटाणुओं के फैलने के जो तरीके होते हैं वो भी हम बताते हैं लोगों को, किस तरह से फैलते हैं, खांसने छींकने या वस्तुओं को छूने से, अपने हाथों को साफ नहीं रखने से कीटाणुओं को फैलने के तरीके होते हैं। ये लोगों को समझाकर हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आप इसका समाधान कर सकते हैं। इसका समाधान करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल कीजिए और साबुन और पानी से अपने हाथों को धोइए। किसी भी प्रकार के लिक्विड से या किसी प्रकार के साबुन से आप अपने हाथों को धोएं और अपने हाथों को धोकर जागरूक बनाकर, अपने हाथों को जागरूक बनाकर, अपने हाथों को जागरूक बनाने से बीमारियों से दूर रहिए, बीमारी को रोक सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। आज कोरोना वायरस काफ़ी फैल चुका है। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई जो लॉकडाउन के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गया था, सर्किट हाउस की तरफ से काफ़ी कुछ केस आए थे, वो मेरे यहाँ से प्रतिदिन जाते हैं, मेडिकल लाइन में हैं। उन्होंने मुझे, मेरी बातचीत हुई, मैंने एक वीडियो भी नोट किया उनका और रिकॉर्ड करके मैंने शेयर भी किया था। उसके माध्यम से उन्होंने मुझे बताया कि कोरोना महामारी जो है ये लोगों को अभी तक भी इतना मतलब प्रभावी रूप से लोगों को पता नहीं है। केवल लोगों ने इसे कुछ लोगों ने हल्के में तो लिया है, इसके कारण असावधानी के कारण इतनी फैली है। उसने मुझे बताया कि जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था तो उसके बाद मुझे लगता नहीं था कि मैं कोरोना पॉजिटिव कुछ हुआ है मुझे, लेकिन उसने मुझे बताया कि मुझे काफ़ी कमज़ोरी महसूस हुई। लगभग मुझे एक महीने तक कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इतनी कमज़ोरी महसूस हुई कि शायद ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं रिकवर कर गया। उनकी ताऊजी इस बीमारी से ख़त्म हो गए, तो ये उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने ये भी कहा, इस हैंड वॉश केंद्र की तारीफ़ की, उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसे हैंड वॉश केंद्र यदि सरकार ने पूरे देश के अंदर, उस वक्त जब कोरोना महामारी का जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब इस लॉकडाउन से पहले ऐसे केंद्र लगाते तो शायद ये बीमारी इतनी ना फैलती। उसने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, काफ़ी तारीफ़ की फाउंडेशन की, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन टोंक की, इतनी तारीफ़ की कि उसने कहा कि ऐसे केंद्र मैंने कहीं और जगह नहीं देखे, ये केंद्र वाकई में जन सरोकार के बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। उसने मुझे बहुत धन्यवाद दिया। मैंने भी बहुत गर्व महसूस किया कि मैं लोगों को कितना जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे काम करके जिससे सामाजिक जागरूकता बढ़ती है। देव सर ने मुझे इस काम के लिए, अपने मोहल्ले के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए काफ़ी मुझे कहा, तो मैंने उनकी बात को समझा, माना। वाकई में मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उनका। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रेरणादायी स्रोत होते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे व्यक्तियों को। आप भी अपने आसपास के लोगों को समझाइए, जागरूक कीजिए, हेल्दी हैंड वॉश करने की आदत का विकास करने की आदत के बारे में लोगों को बताएं, समझाएं। धीरे धीरे लोग समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है। यहाँ पे मैंने पहले, मैं 11 अगस्त से इस फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। 11 अगस्त से मैंने देखा, एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मैंने अनुभव किया, कृषि मंडी जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ के लोगों को मैं जागरूक करके काफ़ी अनुभव मैंने महसूस किया कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो लोग समझते नहीं हैं बाकी, लेकिन लोगों ने समझना शुरू किया, काफ़ी सहयोग किया और एक दूसरे का साथ देकर उन्होंने मास्क लगाना शुरू किया।
पहले मास्क नहीं लगा रहे थे वो, और साथ ही हैंड वॉश करने के बारे में लोगों ने ये कहा है मुझे कि ये तो बहुत अच्छा काम है, मास्क लगाए नहीं लगाए लेकिन हैंड वॉश करना तो इतना ज़रूरी है कि इस बात को तो हम अच्छी तरह समझते हैं कि सामान्य बीमारी से लेकर कोरोना वायरस तक के कीटाणुओं को ख़त्म कर सकता है हैंड वॉश करना, और हम बच सकते हैं बीमारियों से, बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। इस बात को लोग मान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अभी हमें और समझाना है, इसे लोगों को बताना है, इस जन जागरूकता को फैलाना है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने जागरूक हाथ अभियान जो चलाया है ये वाकई में काबिल तारीफ है। मैं इस मंच के द्वारा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ अपनी बात, अपना अनुभव, कि आप भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इन्हें कहता कि मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से मतलब ऐसा कामयाब पूरी तरह से हो चुका हूँ, लेकिन हमें कोशिश जारी रहना पड़ेगी, कोशिश करती रहना चाहिए। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, देश के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी है। शिक्षा, मैं एक शिक्षक भी हूँ, शिक्षा ही अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी का दौर है, एक शिक्षा के साथ साथ हमें लोगों को सामाजिक रूप से समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है लोगों को समझाना, क्योंकि शिक्षा लोगों को जागरूक करती है, लोगों को आगे बढ़ाती है। यदि शिक्षा ही नहीं सही नहीं होगी तो फिर लोगों को किस प्रकार जागरूक करेंगे। इसलिए समाज के इस सरोकार मंच के सभी लोगों से मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप भी किसी भी स्तर से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कीजिए। आपके द्वारा किया गया प्रयास कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है, बीमारियों को फैलने से रोक सकता है, और हम बीमारियों से बच सकते हैं। लोगों को समझा कर ही, प्रेम से समझा कर, लोगों को ज़बरदस्ती समझाया नहीं जा सकता है। ज़बरदस्ती समझाने का काम यदि हम करते हैं तो लोग बिल्कुल भी उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, सामने कर लेंगे भले लेकिन उसे अपनाएंगे नहीं। इसलिए यदि आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें इस काम के प्रति कि मैं किस प्रकार लोगों को जागरूक और किस प्रकार से कुछ बदलाव करके लोगों को किस प्रकार से करना चाहूँ, तो आप मुझे इसका सजेशन दे सकते हैं, आपसे मैं सुझाव लेना चाहूँगा और इसे बेहतर तरीके से मैं करना चाहता हूँ इस काम को। आप मुझे इसके लिए अपने बारे में कुछ बताकर अपने कमेंट्स के द्वारा आप मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। साथ ही अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के लिए मैं खुद भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे एक मौका दिया एक आगे बढ़ने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। मैं देव सर का, सभी सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। यदि आप मुझसे कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। जब तक लोगों को समझाया नहीं जाता तब तक लोग नहीं समझते हैं। इस हैंड वॉश केंद्र के माध्यम से मैंने ये भी जाना है, यदि मैं नहीं बोलूँगा तो लोग ऐसे चले जाते हैं। लोगों के पास समय नहीं है, अब लोग पता नहीं देखते नहीं हैं ऐसे, जब तक कहा नहीं जाए, जब तक समझाया नहीं जाए लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, वो देखते नहीं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंसानियत के धर्म के नाते के तहत आप समाज को जागरूक कीजिए, जन जागरूकता को बढ़ाएं। कोरोना वायरस के बारे में, COVID-19 के बारे में जो अफवाहें हैं उस पर काफ़ी लोगों को है अफवाहों का ध्यान, अफवाहों पर ध्यान देते हैं कुछ लोग, तो हमें उन लोगों को समझाना है, ये ज़रूर समझाना है। मैं काफ़ी समझाने का प्रयास करता हूँ, बस स्टैंड टोंक में यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, यहाँ पे अचानक काफ़ी भीड़ हो जाती है बस के आने पर, और बस के, क्योंकि ये बस स्टैंड है, यहाँ पे हम लोगों को इतना समझाने की कोशिश करते हैं, हर वक्त ये पॉइंट बिजी रहता है, कुछ ही समय तक यहाँ पॉइंट बिजी नहीं रहता है, बस बाकी रहता है ये पॉइंट बिजी। अभी आएगी बस,
आप में से कोई भी व्यक्ति मुझसे कुछ मुझे कुछ सजेशन देना चाहें या मुझे कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट्स के माध्यम से कहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आप अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों को समझाने का, लेकिन प्रेम से समझाने का प्रयास कीजिए। लोग अवश्य समझेंगे। कोरोना वायरस के बारे में फैलने से रोकने के लिए हैंड वॉश करना कितना ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर मालूम कीजिए आप, हाँ पहले अपने हैंड वॉश कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ अपने हाथों को धोना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने हाथों को धोइए, दोनों तरफ सुविधा है ये। अपने पांव से पेडल को दबाइए, आपके पांव से पेडल को दबाइए, पानी आएगा। पानी से अपने हाथों को गीला करें, ध्यान दीजिए पानी से अपने हाथों को गीला कीजिए। उसके बाद में आप साबुन के लिक्विड से, बोतल में साबुन का लिक्विड है, उसे हाथ से दबाइए। हाथ से दबाकर उसे अपने हाथों में लेकर अच्छी तरह से 20 से 30 सेकंड तक रगड़कर जरूर धोएं और कोरोना महामारियों से बचिए। आप सभी यात्रीगण अपने मुंह पर मास्क लगाइए, मास्क लगाकर ही कोरोना वायरस को दूर किया जा सकता है। फिलहाल कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन जो है वो है मुंह पर मास्क लगाना, इसलिए यात्रीगण यात्रा करने से पहले अपने मुंह पर मास्क लगाएं और बस स्टैंड के अंदर परिसर में भी घूमने से पहले, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले ध्यान दीजिए, अपने मुंह पर मास्क लगाइए और कोरोना वायरस से बचिए। अपने हाथों को धोने के लिए हैंड वॉश केंद्र पर आएं, बिल्कुल निशुल्क है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा। आइए अपने हाथों को धोइए, हाथ धुलना एक अभियान बनाएं, लगातार हाथ धुलें और कोरोना वायरस को भगाएं। आइए जीवन में इस आदत को अपनाइए, हाथ धोने की सही आदत को, क्योंकि कीटाणुओं से यदि बचना है, बीमारियों को फैलने से रोकना है तो हैंड वॉश बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।